तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 12वीं राजनीति विज्ञान विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका सॉल्यूशन। तो प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है हमारी कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में दोस्तों बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिएगा प्यारे विद्यार्थियों, बिना किसी देरी के वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं कि आपका कक्षा 12वीं का राजनीति विज्ञान विषय का क्वेश्चन पेपर दोस्तों आपका किस प्रकार का आएगा, कितने क्वेश्चन दोस्तों परीक्षाओं में यहाँ से पूछे जाएंगे और आप सबको दोस्तों इसकी तैयारी किस प्रकार से कर लेनी है। देखिएगा, आप लोग यहाँ से इसको देख पा रहे हो, कक्षा 12वीं त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 राजनीति विज्ञान विषय का जो क्वेश्चन पेपर आपका होगा, इसके लिए जो माध्यम हिंदी माध्यम का क्वेश्चन पेपर होगा या आपका अंग्रेजी माध्यम का क्वेश्चन पेपर होगा, उसमें सभी में दोस्तों टोटल 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आप सब लोग दोस्तों यहां से इसको देख सकते हो। A to Z क्वेश्चन दोस्तों आपके परीक्षाओं में इसी प्रकार के पूछे जाएंगे जैसा कि दोस्तों हमारे द्वारा यहां सर आपको दिखाया जा रहा है। तो चलिएगा, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं कि आपका कक्षा 12वीं का राजनीति विज्ञान विषय का क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का आएगा और आप सबको दोस्तों कितना पढ़ लेना चाहिए आपको राजनीति विज्ञान विषय की तैयारी के लिए। तो चलिएगा, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं कि आपका कक्षा 12वीं का राजनीति विज्ञान विषय का क्वेश्चन पेपर दोस्तों परीक्षाओं में किस प्रकार का छपा है और किस आधार पर दोस्तों इसकी तैयारी आपको कर लेनी है। देखिएगा, आप पूरी तरह से दोस्तों यहां से इसको देख पढ़ो, समझ सकते हो, पूरा A to Z क्वेश्चन पेपर दोस्तों आपका परीक्षाओं में इसी प्रकार का पूछा जाएगा जैसा कि दोस्तों हमारे द्वारा यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है। तो चलिएगा, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं कि आपका दोस्तों कक्षा 12वीं का राजनीति विज्ञान विषय का क्वेश्चन पेपर आपका कैसा आएगा। दोस्तों आपको 101% दोस्तों आपको परीक्षाओं में इसी प्रकार का क्वेश्चन पेपर परीक्षाओं में देखने को मिलेगा अगर दोस्तों आपके पास में कोड नंबर ये आता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास में इस कोड का क्वेश्चन पेपर आता है तो आपको परीक्षाओं में ऐसा कैसे ही क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा। तो इसलिए आप सभी लोग दोस्तों इस क्वेश्चन पेपर को बिल्कुल लास्ट समय तक देखकर जरूर जाइएगा ताकि दोस्तों आप सभी को पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसके उत्तर आपको समझ में आ सके। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका क्वेश्चन पेपर कक्षा 12वीं का राजनीति विज्ञान विषय का। तो देखिएगा, यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया है, आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हो, क्या लिखा है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस तिथि को हिरोशिमा पर अणुबम गिराया था। तो देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो दिया गया है इसका राइट आंसर दोस्तों आपका आ जाएगा 6 अगस्त 1945 को। उसी के अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन लिखा है, इनमें से किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई। तो देखिएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, चीन। चीन के द्वारा दोस्तों खुले द्वार की नीति अपनाई गई थी। उसी के अलावा अगला क्वेश्चन, शिमला समझौता कब हुआ। तो देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर आपका आ जाएगा 1972 में। कब हुआ था दोस्तों, 1972 में। उसी के अलावा अगला क्वेश्चन, किस प्रधानमंत्री ने नई आर्थिक नीति की घोषणा की थी। देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 जो लिखा गया है इसका राइट आंसर दोस्तों आपका आ जाएगा, प्रधानमंत्री श्री नरसिम्हा राव के द्वारा दोस्तों नई आर्थिक नीति की घोषणा की गई थी। उसी के अलावा अगला क्वेश्चन, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। तो ये नारा दिया था दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री ने। उसी के अलावा अगला क्वेश्चन लिखा है, देखिएगा 6 नंबर का क्वेश्चन, 11 सितंबर 2001 को किस देश पर आतंकवाद का हमला हुआ था। तो देखिएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर दोस्तों आपका आ जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका पर आतंकवादी हमला दोस्तों इस तारीख को हुआ था, जो कि यहाँ पर लिखा गया है, आप लोग देख सकते हो। चलिएगा दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और आगे के क्वेश्चन और उनके उत्तर को देख लेते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप लोग यहां से इसको देख पा रहे हो, क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछी जाएगी। पहला रिक्त स्थान आप लोग देख पा रहे हो दोस्तों, क्या लिखा है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका आ जाएगा, न्यूयॉर्क। कहाँ पर स्थित है दोस्तों, न्यूयॉर्क। उसी के अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है, देखिएगा, आसियान का एक स्तंभ है जो इसके सदस्य देशों की सुरक्षा के मामले को देखता है। तो देखिएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा, आसियान सुरक्षा समुदाय। आपको क्या लिख लेना है दोस्तों यहाँ से, आसियान सुरक्षा समुदाय, सुरक्षा और आगे हो जाएगा समुदाय, आप इस जगह से नोट कर लेंगे। और उसी के अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। तो देखिएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर भी दोस्तों आपका आ जाएगा, सी राजगोपालाचारी, सी राज गोपालाचारी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा।
उसी के अलावा अगला क्वेश्चन दिया गया है, केशवानंद भारती प्रकरण में संविधान के परिभाषित किया गया। देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया गया है, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा मूल ढांचे को। किसको परिभाषित किया गया दोस्तों? मूल ढांचे को इसमें परिभाषित किया गया था। उसी के अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया गया है, क्या लिखा है, बीपी सिंह ने सरकार का नेतृत्व किया था। देखिएगा दोस्तों, 5 नंबर का जो क्वेश्चन दिया गया है, इसमें आपको लिख लेना है जन मोर्चा किसका नेतृत्व किया था। दोस्तों जन मोर्चा का नेतृत्व इसके द्वारा किया गया था। उसी के अलावा अगला क्वेश्चन दिया गया है, पृथ्वी सम्मेलन से जुड़े विषय से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 6 जो लिखा गया है दोस्तों, इसका राइट आंसर दोस्तों आपका आ जाएगा पर्यावरण। किससे संबंधित विषय से है? पर्यावरण से संबंधित विषयों से है। उसी के अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, भारत की स्वतंत्र विदेश नीति की प्रारंभिक घोषणा को हुई। देखिएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर 7वीं का आ जाएगा, 7 सितंबर 1946 को। कब हुई थी दोस्तों? 7 सितंबर 1946 को दोस्तों इसकी घोषणा की गई थी। चलिएगा दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन और उनके उत्तर को देख लेते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ से इसको देख पा रहे हो, क्वेश्चन नंबर 3 में दोस्तों आपसे जोड़ी पूछी जाएगी। तो देखिएगा, जोड़ी का मिलान आपको किस प्रकार से कर लेना है वो भी हम देखते हैं और समझते हैं। तो फर्स्ट नंबर की जो जोड़ी दे रखी है दोस्तों, इसका मिलान दोस्तों आपका बी नंबर से हो जाएगा। फर्स्ट नंबर की जोड़ी का मिलान दोस्तों आपको बी से कर लेना है, और सेकंड नंबर की जोड़ी का मिलान दोस्तों आपको ए से कर लेना है, और दोस्तों इसी के अलावा तीसरे नंबर की जोड़ी का मिलान दोस्तों आपको डी से कर लेना है, और तीसरे के बाद में दोस्तों चौथे नंबर की जोड़ी का मिलान दोस्तों आपका सी से हो जाएगा, और इसके अलावा दोस्तों पाँचवें नंबर की जोड़ी का मिलान आपको एफ से कर लेना है, और उसी के अलावा दोस्तों इसकी जोड़ी का मिलान आपका एस से हो जाएगा। इस प्रकार से आप सभी लोग दोस्तों यहाँ से जोड़ी का मिलान कंप्लीट कर लेंगे। चलिएगा दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग जैसा कि यहाँ से देख पा रहे हो, क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे सत्य असत्य पूछे जाएंगे। तो आप सब लोग दोस्तों यहाँ से इनको देख लेंगे। पहला लिखा गया है, सन 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई थी। तो देखिएगा दोस्तों, ये पूरी तरह से आपका सही हो जाएगा। और उसी के अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन लिखा है, रूबल रूसी मुद्रा है। तो देखिएगा दोस्तों, रूबल जो है रूसी मुद्रा है, क्या ये सही है? देखिएगा, ये पूरी तरह से सही है। उसी के अलावा अगला क्वेश्चन, राम मनोहर लोहिया ने संसद मार्च का नेतृत्व किया। देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया गया है, ये आपका पूरी तरह से दोस्तों सही हो जाएगा। नहीं दोस्तों, ये तीसरे नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों आपका असत्य हो जाएगा। और उसी के अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है, दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। तो ये दोस्तों आपका पूरा सही है। असंलग्नता की नीति ने एक विश्वव्यापी आंदोलन को जन्म दिया। तो देखिएगा दोस्तों, 5वें नंबर का जो क्वेश्चन दे रखा है, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। उसी के अलावा अगला क्वेश्चन लिखा है, दलित पेंथर्स महाराष्ट्र से संबंधित है। देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 जो दिया गया है, ये भी आपका सही हो जाएगा। इस प्रकार से आप सभी लोग दोस्तों यहाँ से सत्य असत्य के ऊपर चिन्ह लगा लेंगे। इसी के साथ में दोस्तों आप आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग यहाँ से इसको नोट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 जो आपको दिया गया है, उसमें टोटल दोस्तों आपसे 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिएगा एक एक करके दोस्तों सभी के उत्तर आप लोग देख लें। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन दिया गया है, आप लोग यहाँ से इसको पढ़ सकते हो, नाटो का पूरा नाम लिखिए। तो देखिएगा दोस्तों, नाटो का पूरा नाम है उत्तरी अटलांटिक संधि और आगे आ जाएगा दोस्तों आपका संगठन। ये दोस्तों आप लोग यहाँ से लिख लेंगे। और उसी के अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया गया है, बर्लिन की दीवार की लंबाई कितनी थी। तो देखिएगा दोस्तों, बर्लिन की दीवार की लंबाई कितनी थी? ये थी दोस्तों लगभग 150 किलोमीटर। कितने लिख लोगे दोस्तों आप लोग? 150 किलोमीटर। उसी के अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया गया है, यूरोपीय संघ की स्थापना कब की गई। देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया गया है, इसका राइट आंसर दोस्तों आपका आ जाएगा 1 नवंबर और 1993 में इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों यूरोपीय संघ की। तो आप लोग इसको याद रखेंगे। और उसी के अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है, देखिएगा ईवीएम का पूरा नाम लिखिए। देखिएगा दोस्तों, ईवीएम का पूरा नाम है आपका
इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, क्या लिख लोगे दोस्तों आप लोग इस जगह से? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन दोस्तों इसका पूरा नाम हो जाएगा। उसी के अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है, रियो डी जेनेरो किस देश के शहर का नाम है? तो देखिएगा दोस्तों, रियो डी जेनेरो जो है ब्राज़ील देश के शहर का नाम है, आप लोग यहाँ से इसको लिख लेंगे। और उसी के अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है, सिल्वर क्रांति किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 6 जो लिखा गया है दोस्तों, इसका राइट आंसर आप लोग लिख लोगे अंडों के उत्पादन से, अंडों के उत्पादन से। सिल्वर क्रांति दोस्तों किससे संबंधित है? अंडों के उत्पादन से। उसी के अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है, इंदिरा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो देखिएगा दोस्तों, इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी 31 अक्टूबर को, 31 अक्टूबर और 1984 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 31 अक्टूबर 1984 में दोस्तों इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी। तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे दोस्तों आप लोग इस जगह से देख पा रहे हो शीत युद्ध का था, ये सभी के सभी क्वेश्चन दोस्तों आपसे परीक्षाओं में इसी प्रकार से पूछे जाएंगे, जैसा कि आप लोग यहाँ से इसको देख पा रहे हो। एगे मनी कौन है? ऑपरेशन एंड्रूड फ्रीडम क्या है? शिमला समझौते की शर्तें लिखिए। ए टू जेड क्वेश्चन दोस्तों आपसे परीक्षाओं में इसी प्रकार के पूछे जाएंगे, जैसा कि दोस्तों मेरे द्वारा यहां पर आपको दिखाया जा रहा है। इसलिए आप सभी लोग दोस्तों यहां से इनको पूरा का पूरा कंप्लीट करते चलें। अगर दोस्तों आपने इसको पूरा कंप्लीट कर लिया तो देखिएगा, और अगर आपके पास में दोस्तों ये सीट पेपर आता है जो कि मैं बता रहा हूँ, तो आप ये समझिएगा दोस्तों कि 101% दोस्तों आपका परीक्षाओं में इसी प्रकार के क्वेश्चन बैठेंगे, जैसा कि दोस्तों मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। देखिएगा भारत की गुटनिरपेक्ष नीति की विशेषताएं, ये सभी के सभी क्वेश्चन दोस्तों आपसे परीक्षाओं में इसी प्रकार के पूछे जाएंगे, जैसा कि दोस्तों मेरे द्वारा यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है। और दोस्तों आगे भी ये क्वेश्चन दिए गए हैं, आप सब लोग यहाँ से इनको नोट कर लेंगे। पूरे के पूरे टोटल दोस्तों आपसे इतने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ख़ासकर दोस्तों ये 23वें नंबर का जो क्वेश्चन है, जिनको मैं मार्क कर करके बता रहा हूँ, इनको ज़रूर आप बिल्कुल याद कर ले दोस्तों। ये बिल्कुल 101% दोस्तों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। और एक ये वाला बिल्कुल आप लोग इन क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेंगे, ये बिल्कुल दोस्तों आपसे परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। इसी के साथ में दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।